Hello everyone, welcome to Sukant's Physics, the easiest and finest way to learn the concept of physics. Myself Sukant Kumar Behera from Jagatsinghpur. Today we will learn class 12 physics chapter 9 ray optics and optical instrument. ঠিক আছে তার বহুত মজা আসবে বহুত ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা অপটিক্স চ্যাপ্টারটা আমি এই বেসিক্যালি এই চ্যাপ্টারে আমি অপটিক্স রে অপটিক্স কোন রে অপটিক্স ও ওয়েভ অপটিক্স উইথ ডিফারেন্স কোন অপটিক্স কাহি কি আমি পড়িবা সেই বিষয়ে ডিসকাশন করিবা আমি বহুত বেসিক রু স্টার্ট করিবা ঠিক আছে বেসিক পার্টটা আজি আমি করিবা তারপরে রে অপটিক্স রে বেসিক্যালি আমি রিফ্লেকশন রিফ্র্যাকশন টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ডিসপারশন থ্রু প্রিজম ডিফারেন্ট টাইপস অফ অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট লাইক মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ বিষয়ে পড়িবা ঠিক আছে বহু ডিটেলস পড়িবা আৰু বহু সারা নিউমেরিকালস বি সলভ করিবা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চিন বি আমি সলভ করিবা ধীরে ধীরে তো লেট আস স্টার্ট ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন তো অপটিক্স স্টার্ট করিবা পূর্বরু আমি এনার্জি আৰু ওয়েভ ৰ কনসেপ্ট বিষয়ে জানিবা তো এনার্জি ইজ এভরিওয়্যার অ্যারাউন্ড আস আমি চারি ভাগে এনার্জি রয়েছে সাউন্ড ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি লাইট ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি হিট ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি ঠিক আছে তো মু সাপোজ এই রুম রে ভ্যাকুম ক্রিয়েট করে দেবি ঠিক আছে ভ্যাকুম ক্রিয়েট করে দেবি মু যে কথাটা তোমাকে কহিবি সেটা তোমাকে শুনা যাব ना मु तुमको देखा जाई परिबे साउंड वन टाइप ऑफ एनर्जी यस लाइट इज आल्सो वन टाइप ऑफ एनर्जी यस बट साउंड मीडियम दरकार कर ट्रैवल करे पे साउंड वेव ता इन लाइट एनर्जी बा लाइट वेव ता ट्रैवल करे पे मीडियम दरकार करे ना हम बेसिकली हम जानी छे हम एक्सपीरियंस हो ठीक अछि सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी वन टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल एंड अनदर टाइप ऑफ एनर्जी डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल ठीक अछि सो एनर्जी जो वेव टे ट्रैवल करूची मु जो कथाटा तुम कहूची जो तुम पे सुनी पाछ तुम मैंने सुनी पाछ तो से एनर्जी नबाणिया काम टे करूची कि एनर्जी जो जाऊची तो एनर्जी टा नऊची कि वेव वेव तो एनर्जी हम तर वेव को कहि परबा एनर्जी लाने वाला वेव को हम को कहि परिया एनर्जी लाने वाला दैट इज व्हिच ब्रिंग्स एनर्जी व्हिच ब्रिंग्स एनर्जी ठीक है तो सपोज मु कोन कहली ना दीटा गोटे रसी आनले ठीक अच्छे मो हाथ में गोटे रखी सैड को धरली आउ गए सैड को कांथे बांधली आउ अपडाउन 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 कल ठीक अच्छे तो मुझे अपडाउन अपडाउन कल मो हाथ रू पार्टिकल वगैरह से पड़े को गला ना मो हाथ एनर्जी से पड़े को गला पार्टिकल थोड़ी ना जीव एनर्जी ही जीव ठीक अच्छे पार्टिकल थोड़ी ना जीव एनर्जी ही जीव 110% एनर्जी ही ट्रैवल कर तो वेव्स को सेति हम कहू छी एनर्जी लाने वाला और व्हिच ब्रिंग्स एनर्जी ठीक अच्छे व्हिच ब्रिंग्स एनर्जी सपोज मुझे रसी गोटे वन टाइप अफ रसी नी जो कौन अच्छे टाइटली बांधी आउ गए रसी को लाइटली बांधी कौन एनर्जी शीघ्र ट्रावेल करेंगे जो टाइटली बांधी जो टाइप सडनली अपडाउन कर एनर्जी से मुझे पड़ेगा ठीक अच्छे जो लुज में बंधाई है एनर्जी शीघ्र जाइपर नहीं ठीक अच्छे तो लाइट जो स्पीड में जाऊँगी आम कह भि स्पीड अफ वेव तो वेव जो स्पीड में जाऊँगी कह भि और स्पीड अफ वेव तो मुझे जब कह वेव टा 10 मीटर पर सेकेंड जाऊँगी वेव पार्टिकल जाऊँगी ना एनर्जी ट्रावेल करनर्जी ट्रावेल कर एनर्जी ही 10 मीटर पर सेकेंड ट्रावेल कर अच्छा तो आउ गए कनसेप्ट आम जानी वेब चैप्टर टाइम टी गोटे टाइम पीरियड कौन टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन रिवल्यूशन ठीक अच्छे नेक्स्ट आउ गए कनसेप्ट जानते फ्रिक्वेन्सी नंबर अफ रिवल्यूशन पर यूनिट टाइम नंबर अफ रिवल्यूशन पर यूनिट टाइम आम जिते सब वेब पढ़ा सब तो सिंपल हार्मोनिक वेब ठीक अच्छे आम वेब से डिटेल्स भितर जावा नहीं कहीं बहुत लेंदी हो आम वेबटा ये पढ़ुचे वेब हो सिंपल हार्मोनिक वेब वेब ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स जहाँ भी हो सब इंटर रिलेटेड ठीक अच्छे फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट यदि हमर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अछि हमें सब प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबा कारण कॉन्सेप्ट ही हम पे सब दिन पे हम पे हेल्प करिवो प्रॉब्लम कोनो से एग्जाम रे रिपीट होवार नै ठीक अछि कोनो से एग्जाम रे प्रॉब्लम हम रिपीट होवार यदि रिपीट हो सेटा कोन रिपीट होबो कॉन्सेप्ट सो फील ल सहित पढिया कॉन्सेप्ट भल से बुझिवा ठीक अछि अच्छा तो यदि वी होची स्पीड ऑफ वेव ठीक अछि आउडे जें हम जें लैम्डा वेव रो आउडे प्रॉपर्टी अछि जोटा हम को लैम्डा जोटा कोन कोन वेवलेंथ लैम्ब्रा तो कौन ना वेवलेंथ ना डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन यूनिट वन टाइम पीरियड लैम्ब्रा कौन ना डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड बुझेला ना ऊपर ऊपर पड़ेगा बुझेला ना नहीं लैम्ब्रा हो जी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन यूनिट वन टाइम पीरियड यदि लैम्ब्रा का डिस्टेंस और वी का स्पीड और टी का टाइम तो वी इज इक्वल लैम्ब्रा बाय टी लिख पेली वी इज इक्वल टू लैम्ब्रा बाय टी और वी इज इक्वल टू लैम्ब्रा एफ दिस इज द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन वी लैम्ब्रा एंड एफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड ये तीन जन रिलेशन हो v इज इक्वल टू लैम्ब्डा एफ ठीक है पहले ने सो नोट कला नेक्स्ट टाइम पढ़िया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स लिबे 1 2 3 लिबे
A wave has basically two types, mechanical wave and non-mechanical wave. Mechanical wave for require material medium to travel. This type of wave require material medium to travel. And this type of wave does not require material medium. And this type of wave do not require material medium to travel. From our experience, we can know that sound is a mechanical wave and wave is a light is a non-mechanical wave. ठीक है sound is mechanical wave. ठीक है ये आउट ऑफ एग्जांपल दे थली अभी तो 9 क्लास 10 ने एग्जांपल दिया थी वो ट्रेन लाइन है ट्रेन असलाले ट्रेन लाइन है मैं कहना देख सुन पर यार ठीक है साउंड का सॉलिड अधिक स्पीड रहते तो साउंड इज बेसिकली मैकेनिकल वेव लाइट इज बेसिकली नॉन मैकेनिकल वेव एंड आउट भी हमें आउट टाइप रे वेव को डिफरेंशिएट कर पाई है गोटे होची लॉन्गिट्यूडनल वेव आरो जी ट्रांसवर्स सपोज वेव का ए डायरेक्शन में मूव करो बी स्पीड में मूव करो ठीक है यदि पार्टिकल टा ए डायरेक्शन में वाइब्रेट करूची यदि पार्टिकल टा भी ए डायरेक्शन में वाइब्रेट करूची त त कनु कोन कहबे लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव के तब बी स्पीड टा वेव का स्पीड टा ए डायरेक्शन में आछी पार्टिकल एमी ते वाइब्रेट करूची त परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करूची परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कला त त कहबे कोन ट्रांसवर्स वेव त का कहबे ट्रांसवर्स वेव द लाइट इज बेसिकली ट्रांसवर्स वेव एंड साउंड इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल साउंड इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल ठीक है जी इससे पर लॉन्गिट्यूडनल वेव आउ ट्रांसवर्स वेव एडी पार्टिकल द लाइट र एलोंग रे वाइब्रेट करिवो ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल द लाइट र परपेंडिकुलर डायरेक्शन रे वाइब्रेट करिवो नेक्स्ट हम पढिबा पहिले नोट कर दियो नेक्स्ट हम पढोया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिषयरे हम किस करिवो नेक्स्ट हम पढिबा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड ठीक है तो देखते हो मेरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मिले आई एक्सिस ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड को मिले वाई एक्सिस है लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यदि अच्छी x एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड का रही हुआ z एक्सिस है तो रही हुआ z एक्सिस है ठीक है ये ना तार पीक ही थी वो तार पीक का एडिशन में होता है तो इनकी रिप्रेजेंट करा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पीड में मूव करे अगर स्पीड v स्पीड टाउ जी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस दैट फॉर एनी वी नले कि हम लेके बा सी जोटा कि स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस जोटा कि 3 इनटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड ठीक है 3 इनटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे हमें जानि छे द डिफरेंट पार्ट्स होय छे जोटा हम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जोटा हम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भितर किछि पार्ट हमको विजिबल हुए आ किछि पार्ट हमको विजिबल हुए तो जो पार्ट हमको विजिबल हुए सेटा को हम को लाइट बुझला जो पार्ट हमरो विजिबल हुए सेटा हो जे हमरो लाइट आ स्टडी ऑफ लाइट को हम कहबे ऑप्टिक्स ठीक है स्टडी ऑफ लाइट को हम कोन कहबे ऑप्टिक्स
সাপ্লাই এগুলো একটু ওইদিকে নিয়ে গিয়ে পার্ট অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হুইচ ইজ ভিজিবল টু আস এখানে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু ওয়েভ দিব 3500 অ্যাংস্ট্রম টু 7500 অ্যাংস্ট্রম নিয়ারলি ইকুয়াল টু ডিফারেন্ট বাই ডিফারেন্ট ভ্যালু ভ্যারি করে তো দি পার্ট অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হুইচ ইজ ভিজিবল টু আস ইজ কল্ড লাইট and the branch of physics which deals with study of light is called optics. It's called optics. The part of electromagnetic wave which is visible to us is called light, and the study of the branch of physics which is which deals with the study of light is called optics. So, we will start with energy. Energy is carried by wave. Wave is differentiated by mechanical wave, non-mechanical wave. We differentiate by longitudinal wave, transverse wave. So, we have electromagnetic wave, which is non-mechanical and transverse wave. So electromagnetic wave re jodi direction of propagation x axis re electric field y axis re to magnetic field ko direction j direction abo to wave ta emti vibrate kariki jibo eta kan kahya kon electromagnetic wave re emti light wave ta jodi propagate kari jibo to electromagnetic wave re kon different parts hola jodi kan kahya electromagnetic spectrum ra asila visible part ko bole ame light ra ame se kori optics clear I hope ta mane clear hei thibo thik ache ऑप्टिक्स को दीटा पार्ट डिवाइड कर बहुत लिखा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स The name suggests that it is all about mathematics. So, ray optics, I am dealing with a mathematical tool to solve the problems of optics, to solve the problem of light. That is bunch of rules that I am dealing with for optics problem, light problem to solve. It is a reflection. What a medium is the light ferries, reflection. Light travel by ferries by same medium. That is same medium travel by out a medium, refraction. ठीक है जी. तो prism across से हमें the light पकिया से dispersed रहेगी सातरा color देखेगा. ठीक है जी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट्स ऑल अबाउट रूल्स ऑल अबाउट मैथमेटिकल फार्मूला जो हम को पढ़िया रे ऑप्टिक्स रे पढ़िया अच्छा रे ऑप्टिक्स से हम पढ़िबा लाइट में जे दीटा कैरेक्टर अछि गोटे अछि वेव प्रॉपर्टी आउटे अछि पार्टिकल प्रॉपर्टी तो रे ऑप्टिक्स से हम ना वेव वेव कैरेक्टर विषय पढ़िबा ना पार्टिकल कैरेक्टर विषय पढ़िबा ठीक अछि रे ऑप्टिक्स से आ माने जे लाइट गोटे को पास करे कछि रे आकर ट्रैवल कछि लाइट को कछि ना रे आकर ट्रैवल कछि से रे जति गोटे मिडो आउटे पढ़िया पड़ला रिफ्रैक्शन तार फार्मूला कोन ए सब विषय हम डील करियै नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स से हम को करिया ना लाइट वेव हम ट्रीट करिया लाइट इज ट्रीटेड एज ए लाइट इज ट्रीटेड एज ए वेव एटी लाइट इज ट्रीटेड लाइट इज ट्रीटेड एज ए ठीक है एना हम वेव कैरेक्टर विषय पढ़िया ना पार्टिकल कैरेक्टर विषय पढ़िया अच्छा सब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो छी इन रे ऑप्टिक्स Light encounters objects whose size is larger than the wavelength of light. Light. Any object here? Light to encounter करो सो object. ऐसे object के नहीं तो object हो चल दियो. Mirror. ঠিক আছে লেন্স ঠিক আছে প্রিজম ঠিক আছে এই সব অ্যাঙ্কর সব সাইজটা লাইট প্রবলেম ধর বহুত অধিক এই সব আমরা কোন কোন ফেনোমেনা দেখিবা দেখিবা ফেনোমেনা দেখিবা রিফ্লেকশন ঠিক আছে রিফ্র্যাকশন 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 আপনি দেখবেন dispersal
इंटरफेरेंस आउ कौन देखते हैं पोलराइजेशन सो दिस टू ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विल डील इन चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में आगे कैरी करिया बहुत सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिवा ठीक है जे तुम मानु के वीडियो पसंद आस्ते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करिवे ठीक है थैंक यू।